तो हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक हॉरर गेम जिसका नाम है हेलोवीन। इस गेम में एक बहुत खतरनाक किलर आने वाला है जिसका नाम पता है क्या है? माइकल मायर्स। तो चलो बिना देर किए गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये गेम कितना हॉरर है। लेकिन एक मिनट, अरे ये क्या, घर के बाहर से हमें कोई तब से देख रहा था, कहीं ये माइकल मायर्स ही तो नहीं था। ओके गाइस, तो अभी हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है और अभी हम लोग एक किचन के अंदर है। देख रहे हो, किचन में एक पंपकिन रखा हुआ है जिसके ऊपर भूत का चेहरा बना हुआ है। मतलब हमें डराने के लिए यहाँ पूरी कोशिश की गई है, लेकिन हम डरने वाले थोड़ी ना है। तो गाइस, अभी मुझे एक चाबी मिली है, लगता है ये इस तरफ वाले गेट का है, जो कि पता नहीं हमें कहाँ लेकर जाएगा, इसलिए मैं इस गेट को अभी नहीं खोल रहा। नहीं नहीं, डर की वजह से नहीं, बल्कि हमारा टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। अच्छा ओके गाइस, तो अभी हम लोग किचन से बाहर आ चुके हैं और यहाँ एक बच्चा बैठकर पढ़ाई करने में लगा हुआ है। अरे नहीं, ये तो टीवी देख रहा है और सामने फोन की रिंग बज रही है, तो फोन उठाते हैं। हेलो हेलो, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार? मतलब सच में फोन में किसी ने कुछ नहीं कहा। ओके गाइस, तो अभी हमें एक टास्क दिया गया है, ऑब्जेक्टिव सेंड टोमी टू स्लीप। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई कुत्ता दिख ही नहीं रहा है, किसे भेजो सोने के लिए? क्या इस बच्चे का नाम है टोमी? इसका बहुत अजीब नाम नहीं है गाइस? तो जैसे जिसकी सोच। ओके, तो अभी ये बच्चा ऊपर सोने के लिए जा रहा है, मैं टीवी बंद करके इसके पीछे पीछे जाकर देखता हूँ, कहीं ये बच्चा अपने रूम का दरवाजा खुला छोड़कर ना सो जाए, क्योंकि माइकल मायर्स कभी भी इस घर में आ सकता है। अरे वाह, इस बच्चे ने तो खुद से ही दरवाजा बंद कर लिया और ये तो सो भी गया। ऐसा लग रहा है कि ये नींद में ही टीवी देख रहा था, बस यहाँ आकर लेट गया। ओके गाइस, तो अभी हम लोग इस रूम के दरवाजे को अच्छे से बंद कर देते हैं और अपना अगला टास्क पूरा करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सारे दरवाजे ओपन होते हैं क्या? नहीं, एक तो नहीं हुआ। चलो इस दरवाजे को खोल कर देखता हूँ। नहीं, ये भी लॉक है। हमें सारे दरवाजे के अंदर जाने के लिए चाबी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं टास्क पूरा कर लेता हूँ जो कि है क्लोज ओपन विंडोज। तो यहाँ पे कुछ खिड़की खुले हुए हैं, मुझे इसे बंद करना है, तो ये मैंने कर दिया दूसरा विंडो बंद। और कितने विंडो है इस घर में? अच्छा, तो कुछ विंडोज पे पर्दे लगे हुए हैं जो कि पहले से ही लॉक है, तो यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सामने एक खुला विंडो है, इसे भी मैं बंद कर देता हूँ। लेकिन अरे ये क्या, हमारा टास्क तो पूरा ही नहीं हुआ, इसका मतलब और भी विंडो है इस घर में। ओके गाइस, तो एक विंडो ऊपर भी था जिसे मैंने देखा था, लेकिन मैं भूल गया था, तो मैंने इसे बंद कर दिया है। अब देखते हैं कि अगला टास्क हमारा क्या आने वाला है। उससे पहले मैं नीचे चलकर ऊपर वाले रूम की चाबी ढूंढ लेता हूँ। अरे नहीं गाइस, दरवाजे के पास तो कोई खड़ा है जो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ये अंदर तो नहीं आ जाएगा ना? मैं उसे देख सकता हूँ क्या? नहीं, ये भी दरवाजा लॉक है। जब घर के सारे दरवाजे लॉक्ड है तो माइकल मायर्स घर के अंदर आएगा कैसे? ओके गाइस, तो अभी मुझे सोफे के पास से एक की मिली है जो कि पता नहीं किस दरवाजे का है, और सामने तो एक टॉर्च भी पड़ा हुआ है, मैं इसे ले लेता हूँ। हो सकता है थोड़ी देर में इस घर की लाइट चली जाए, तब ये टॉर्च हमारा बहुत काम आने वाला है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, माइकल मायर्स घर के अंदर कब आएगा? एक मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो किचन का दरवाजा बंद किया ही नहीं, तो ये दरवाजा अपने आप बंद हुआ कैसे? खोलकर देखता हूँ। ओह नो, सामने तो माइकल मायर्स खड़ा था, मैं तो अचानक उसे देखकर डर ही गया था। लेकिन अभी तो वो घर के बाहर खड़ा है, इसका मतलब हम लोग अभी बिल्कुल सेफ हैं। ये क्या हुआ? ओके गाइस, तो अभी इस घर की लाइट चली गई है और अब ये गेम पहले से ज्यादा हॉरर हो चुका है। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लाइट जाने के बाद ये गेम बिल्कुल हॉरर हो चुका है, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है और माइकल मायर्स कभी भी हमारे सामने आ सकता है। और हाँ, पता नहीं मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ, शायद डर की वजह से। लेकिन नहीं, मैं तो डरता ही नहीं हूँ, इसका मतलब मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मेरी आवाज़ धीरे निकल रही है। तो अभी रुको, खाकर आता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं खाना खाकर आ चुका हूँ, अब आने दो उस माइकल मायर्स को, मैं अब उससे नहीं डरता, मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। कहाँ हो माइकल मायर्स, डर क्यों रहे हो, आकर दिखाओ मेरे सामने। अरे बाप रे, इस बच्चे ने मुझे डरा दिया। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओके गाइस, तो अभी मुझे इस बच्चे को इसके रूम में छुपने के लिए भेजना है, ताकि माइकल मायर्स इसे मार ना सके। और हाँ, तू वापस मत आना मुझे डराने के लिए। लेकिन गाइस, मैं माइकल मायर्स से डरने की बात कर रहा था, इस बच्चे से नहीं। मैं माइकल मायर्स से तो नहीं डराना, तो बस बात खत्म। ओके गाइस, तो अभी हमारा अगला काम है बेसमेंट के अंदर जाकर लाइट को रिस्टोर करना, लेकिन मेरे पास बेसमेंट की चाबी तो है ही नहीं। वैसे अभी मेरे पास एक चाबी है जो कि इस बेसमेंट की नहीं है, इसका मतलब मेरे पास ऊपर वाले रूम की चाबी है। चलो तो अब जल्दी से ऊपर वाले रूम को खोल कर देखता हूँ, हो सकता है उस रूम के अंदर हमें बेसमेंट की चाबी मिल जाए। तो अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, सबसे पहले मैं इस रूम को ही खोल कर देख लेता हूँ। अरे वाह, ये चाबी तो इसी रूम की थी, और ये रहा सामने एक और चाबी, हो सकता है ये चाबी बेसमेंट की हो, चलो देखते हैं। हाँ, तो ये चाबी बेसमेंट की ही थी और हमने बेसमेंट को खोल दिया है। ये रहा सामने लाइट का कनेक्शन, तो हम लोग यहाँ से लाइट को ऑन कर देते हैं। और यहाँ अलमारी पे भी कुछ रखा हुआ है, अरे ये तो चाबी है, लगता है ये ऊपर वाले रूम का है। तो गाइस, माइकल मायर्स ने हमें देख लिया और वो बेसमेंट में ही आ रहा है, और बेसमेंट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे इस अलमारी में छुपना होगा। ओके, तो अभी हम लोग अलमारी के अंदर अपनी सांस भी रोक सकते हैं, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो माइकल मायर्स को पता चल जाएगा कि हम लोग अलमारी में छुपे हुए हैं, और फिर वो हमें मार देगा। तो गाइस, माइकल मायर्स हमारे सामने आ चुका है, लेकिन अरे ये क्या, ये तो इधर उधर देख रहा है,
इसका मतलब इसे पता नहीं चला कि हम लोग अलमारी के अंदर छुपे हुए हैं। बस ये चुपचाप यहाँ से चला जाए, फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अरे यार, कब जाएगा ये यहाँ से? ओके गाइस, तो भी माइकल मायर्स यहाँ से जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है कि इसे पता नहीं चला कि हम लोग अलमारी में छुपे हुए थे। चलो जल्दी मैं इसके पीछे पीछे चलकर देखता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। बस अभी मुझे एक बात का डर है कि माइकल मायर्स वापस ना आ जाए। ओके गाइस, तो वो रहा माइकल मायर्स जो कि शायद घर के अंदर जा रहा है। हाँ, वो घर के अंदर ही जा रहा है। वो देखो, विंडो से मुझे वो दिख रहा है। वो अभी किचन से डाइनिंग टेबल की तरफ गया। चलो चुपचाप घर के अंदर चलते हैं, क्योंकि घर के अंदर एक बच्चा भी है जिसे मुझे बचाना है। पता नहीं वो अच्छे से छुपा हुआ है या नहीं। तो अभी हम लोग किचन में आ चुके हैं। कहाँ हो माइकल मायर्स? मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं यहाँ से वापस भाग जाऊंगा बेसमेंट में। ओके गाइस, तो ये रहा सामने माइकल मायर्स, जिसने अभी हमें नहीं देखा है। लेकिन पता नहीं ये कहाँ जा रहा है। वैसे ये कहीं भी जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस ऊपर जाना है और ये देखना है कि मेरे पास जो चाबी है वो किस रूम का है और उस रूम के अंदर आखिर है क्या। तो चलो जल्दी ऊपर चलते हैं, अभी माइकल मायर्स सोफे की तरफ गया है। चलो ये पहले वाला रूम तो खुला हुआ है, हो सकता है ये चाबी इस रूम का हो। चलो जल्दी इसे खोलकर देखते हैं। अरे नहीं, ये चाबी इस रूम का नहीं है। एक मिनट, यहाँ कुछ रखा हुआ है। अरे ये तो बुलेट्स है, इसका मतलब हमें गन भी ढूंढना है, तभी हम लोग माइकल मायर्स को मार सकेंगे। तो अभी उस चाबी से ये रूम तो खुल चुका है, हो सकता है गन हमें इस रूम में मिल जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि इस रूम में हमें बगल वाले रूम की चाबी मिल जाए और उस रूम में गन हो। चलो फटाफट चाबी या गन ढूंढते हैं। ओके गाइस, तो अभी यहाँ बेड पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अरे वाह, इसमें तो गन है। जल्दी से इस गन को लेकर माइकल मायर्स को मारने के लिए जाता हूँ। वैसे भी वो ऊपर आता ही होगा। तो अभी मैं रूम से बाहर आ चुका हूँ और ये रहा सामने माइकल मायर्स। तो मैं इसे बार बार हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ ताकि ये जल्दी मर जाए। अरे ये तो मर ही नहीं रहा है, लगता है आज हम लोग बचेंगे नहीं। भागो भागो, माइकल मायर्स ने मुझ पे हमला कर दिया। गाइज, मैंने 4-5 बुलेट्स माइकल मायर्स को मार दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस, फाइनली मैंने माइकल मायर्स को मार दिया। लेकिन अरे ये क्या, अभी भी हमारा टास्क पूरा नहीं हुआ है। ऊपर देखो, ऑब्जेक्टिव में किल माइकल मायर्स लिखा हुआ है। अरे नहीं, माइकल मायर्स तो वापस से जिंदा हो गया, ये तो मरा ही नहीं था। मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा क्योंकि गोली खत्म हो गई है। अब गोली कहाँ से लाऊं? अरे ये टेबल पे क्या पड़ा हुआ है कोने में? अरे वाह, ये तो बुलेट्स है। माइकल मायर्स मेरे पीछे ही आ रहा है, लेकिन पता नहीं वो इतने बुलेट से फिर से मरेगा या नहीं। तो फाइनली गाइस, हमने माइकल मायर्स को मार दिया और इस बार हमारा टास्क भी पूरा हो गया। इसका मतलब ये सही में मर गया है। और अभी यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी आ चुके हैं। लगता है वो लोग माइकल मायर्स को ढूंढने के लिए आए हैं। लेकिन उन लोगों ने आने में इतना देर क्यों कर दिया? आज तो हम लोग माइकल मायर्स से जैसे तैसे बच गए। तो अब ये गेम खत्म हो चुका है, चलो उस बच्चे को देख कर आते हैं। अरे ये क्या, ये बच्चा तो सामने आ गया अचानक से और इसने फिर से मुझे डरा दिया। अरे ये क्या, माइकल मायर्स अचानक से कहाँ गायब हो गया? चलो जहाँ भी गया होगा जाने दो उसे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगला गेम हमें कौन सा खेलना चाहिए ये आप लोग कमेंट करके बता दो।